सकते हैं, आप चाहे तो वॉशरूम बना सकते हैं, क्या भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक डोर होगा। ओके, तो यहाँ पर एक डोर होगा, यहाँ पर आपका। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। आज का जो हाउस प्लान है आप देख सकते हैं, खूब मतलब कम जगह के ऊपर ये एक हाउस प्लान बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हम पहले से ड्राइंग को कंप्लीट करके रखे हैं, आपको जल्दी जितना जल्दी हो सके हम समझा सके, इसलिए टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए वीडियो को हम पहले से इसको बना के रखे हैं इसीलिए वीडियो में, ताकि आपको जल्दी जल्दी दिखा सके, इसीलिए हम इसको पहले से कंप्लीट करके रखे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इधर से आपका एंट्री है, ये एक वरांदा है, 6 फीट इसका चौड़ाई है, 10 फीट 5 इंच इसका लंबाई है। यहाँ से एंट्री होगा, ये एक डोर है। उसके बाद यहाँ पर एक गेस्ट रूम है, आप चाहे तो इसको पूजा रूम के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हम गेस्ट रूम लिख दिए हैं, इसका जो चौड़ाई है वो 8 फीट 0 इंच है और लंबाई जो है 15 फीट 5 इंच है, काफ़ी बड़ा है। उसके बाद यहाँ पर और एक डोर है, ये एक बरामदा है, इसका जो चौड़ाई है 3 फीट है। ओके, तो इधर एक डोर है, ये है बेडरूम, बेडरूम का जो साइज है 12 फीट 0 इंच और इसका चौड़ाई जो है 10 फीट 5 इंच है। उसके बाद आप चला जाएंगे यहाँ पर, और एक डोर है, ये भी एक बेडरूम है, 12 फीट 0 इंच और इस साइड से 10 फीट 5 इंच। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक डोर है, ये वाला एक बेडरूम है, इसका भी साइज है 12 फीट 0 इंच बाई 12 फीट 0 इंच लंबाई चौड़ाई। उसके बाद इधर भी एक डोर है, ये वाला भी एक बेडरूम है, 12 फीट 0 इंच बाई 10 फीट 0 इंच, ये भी काफ़ी बड़ा है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप एक स्टेयर देखने को मिल जाएगा, सीढ़ी देखने को मिल जाएगा, सीढ़ी का जो चौड़ाई है 7 फीट 0 इंच और लंबाई जो है 10 फीट 5 इंच। इसके नीचे में आप कॉमन लेटरिन बाथरूम बना सकते हैं, आप चाहे तो वॉशरूम बना सकते हैं, क्या भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक डोर होगा। ओके, तो यहाँ पर एक डोर होगा, यहाँ पर आपका लेटरिन बाथरूम और ये ओपन एरिया, यहाँ पर आप गार्डन, कुछ भी फूल पौधा, कुछ भी साग सब्जी, कुछ भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर आपका एक हॉल या किचन देखने को मिल जाएगा, जिसका चौड़ाई है 7 फीट और लंबाई है 12 फीट 5 इंच। ओके, ये 12 फीट 0 इंच, इससे ज़्यादा है, लेकिन आप चाहे तो 12 फीट, ये आपका कंपलसरी 12 फीट रहेगा ही, तो आप चाहे तो यहाँ पर आप बैठ के खाना खा सकते हैं। और ये आपका किचन है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम जहाँ जहाँ पर कॉलम होना चाहिए, पिलर होना चाहिए, हम हाईलाइट कर रहा हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, कॉलम जहाँ जहाँ पर होगा, घर बनाने के लिए जो कलम ही है इसका मेन चीज़, कलम ही इसको मतलब पकड़ के रखेगा ना ये घर को। तो देखिए फ्रेंड्स, इस साइड में तो आपका वॉल होगा, तब पर भी आपको दे देना चाहिए। देखिए ध्यान से देख लीजिए, कलम को आपको देना ही चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, कलम जहाँ जहाँ पर होगा, हम थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर जितना भी कलम होगा या पिलर होगा सबका 10 बाई 10 रख सकते हैं, 10 बाई 12 रख सकते हैं। अगर आप इसको मतलब कलम को बढ़ाएंगे, ज़्यादा बढ़ाएंगे, तो ऐसे ही तो 5 इंच का वाल है, बाहर सब 10 इंच है, भीतर सबका 5 इंच है। अगर आप ज़्यादा बड़ा करेंगे, मतलब 12 बाई 18 करेंगे, तो क्या होगा, ये मान लीजिए आपका वाल है, ये वाला वाल, ये वाला वाल, तो कलम जितना मोटा होगा भीतर से उतना ज़्यादा दिखेगा, वो थोड़ा ध्यान देखने में ख़राब लगता है, इसीलिए 10 बाई 10 भी ठीक है, क्या भी उतना ख़राब नहीं है। बाजू बाजू दीजिएगा, ज़्यादा दूर दूर मत दीजिएगा, मतलब बाजू बाजू होने से घर का मजबूती ज़्यादा ठीक रहेगा। और इस साइड में आप कलम दीजिएगा, इसलिए कभी भी अगर इधर का साइड वाला घर तोड़ेगा तो आपका भी ये क्रैक हो जाएगा, नहीं तो कलम देने से क्या भी क्रैक होने का कोई टेंशन नहीं रहता है। अगर इन लोगों का बीम निकाल के रखा है तो हाँ, कलम नहीं देने से भी चलेगा, इसके साथ डायरेक्ट आप बीम को अटैच करके ढलाई कर देने से भी चल जाता है, तो दे देने से अच्छा है फ्रेंड्स। तो देखिए विंडो जहाँ जहाँ होना चाहिए, हम थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए विंडो सबको, विंडो जहाँ जहाँ होना चाहिए हम हाईलाइट कर रहा हूँ, आप देखिए। इस साइड में तो आपको खाली जगह है, हाँ, आप चाहे तो यहाँ पर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं, इधर भी आप रख सकते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी आप रख सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, विंडोज़ तो हाईलाइट कर दिया हूँ, अभी आप देख लीजिए वॉल सबको भी हम हाईलाइट कर रहा हूँ, हम ध्यान से देखें। फ्रेंड्स, आपका अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हैं। और आपको कैसा लगा यह हाउस प्लान भी आप
कमेंट करके बता सकते हैं। आपको कुछ भी और भी हाउस प्लान चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, आपको हाउस प्लान चाहिए तो संपर्क कर सकते हैं हमारे साथ। यहाँ पर आपको हर तरह का हाउस प्लान मिलता रहता है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप हमको डिटेल्स खाली दे दीजिए, हम आपको हाउस प्लान बना के दे देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, वॉल सबको भी हम हाईलाइट करता हूँ। बाहर का सभी वॉल जो है हम पहले भी बताए हैं, सभी वॉल 10 इंच है और भीतर का सभी वॉल 5 इंच है। भीतर का वॉल 10 इंच ही नहीं देने से भी चलता है फ्रेंड्स। तो इसका जो चौड़ाई है देख लीजिए फ्रेंड्स, इसका जो चौड़ाई है वो आपको 28 फीट देखने मिलेगा, 28 फीट 0 इंच यहाँ इधर से लेके इधर तक। और इसका भी ई साइड से जो है वो आपको देखने में मिल जाएगा। ये थोड़ा सा बड़ा है हाउस प्लान, तो ये आपको क्या है ना, ये आपको 46 फीट देखने में मिल जाएगा। इसका जो मतलब लंबाई जो है 46.0 इंच। तो आशा करता हूँ ये हाउस प्लान आपको समझ आया है। अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स और एक घर का प्लान में।